नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फलता मिस बोल रहे बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहली कक्षा में क्या देखा था आपको याद में है? हाँ, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या देखा था हमने? पहले स्वर, स्वर में आ आई अक्षरों को देखा था। उसके बाद खालिस्तान घरों में व्यंजन को देखा था। कक्कर धागा को हमने फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया था। थर्ड रोमेटर क्या दिया था? हाँ, जोड़ लगाइए, मैच द फॉलोइंग। उसके बाद फोर्थ रोमेटर में क्या दिया था? बारह खड़ी, कक्का, किक्की, इस प्रकार। फिफ्थ रोमेटर में क्या दिया था? मात्रा को दिया था, आ की मात्रा, ई की मात्रा, इस प्रकार दिया था। हाँ, ये सब हमने पूरा पुनरावृत्ति रिविजन में देखा था। अच्छा बच्चों, आज हम नए पाठ में, पाठ सात में क्या देखने वाले हैं? शरीर के अंग। शरीर के अंग का मतलब क्या है? हाँ, हमारा मनुष्य का बॉडी का उस पार्ट्स को, यानी भाग। पार्ट्स का मतलब क्या है? भाग को देखने वाले हैं। एक मिनट बच्चों, पहला मैंने आपकी किताब को दिखा देती हूँ। ये है आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड का किताब। समझ में आया ना बच्चों? ये किताब से हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर और व्यंजन को एक बार रिविजन करेंगे और उसके बाद हमने क्या देखेंगे? हाँ, शरीर के अंग पूरे को मैं अपने रूप में दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं पूरे आपको समझाऊंगी। समझ में आया ना बच्चों? उस प्रकार ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चों, हमने पहले स्वर को एक बार गोद्रु करेंगे, क्योंकि लेटर्स को आप कभी नहीं भूलना चाहिए बच्चों। इसलिए मैं आपको बार बार हर वीक मैं रिविजन याद दिलाती ही रहूँगी। अच्छा बच्चों, स्वर में देखिए कितना अक्षर मैंने बोला था आपको याद में है? हाँ, स्वर में 13 अक्षर, यानी 13। आ, आ, इ, ई, उ, ऊ, कृ, ये, आई, वो, औ, अम, अह। एक मिनट बच्चों, ये देखिए बच्चों आपके अक्षर को। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये पूरा समझाया भी है पूरा अक्षर को। हाँ, सिर्फ अक्षर ही मैंने नहीं सिखाया, इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं उसके पूरे मैंने आपको चित्रों को दिखाकर शब्दों के रूप में भी चलाया था। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये देखिए, क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ द ढ न तथ दघ न प फ भ भ म य र ल व श श स ह श त्र ञ श्र। ये सब प्लीज ध्यान दीजिए, आपको घर में लिखना है, अक्षरों को जरूर लिखना है बच्चों। मेरे नन्हे नन्हे छोटे बच्चे, जरूर आप लोग अक्षर, ये कितना अक्षर है? 37। से अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? 37 लेटर्स। अच्छा बच्चों, आज हम नए पार्ट में क्या देखने वाले हैं? शरीर के अंग। इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है और चित्र भी रखा है, मैं आपको दिखाऊँ। पहले मेरे हाथ, जो मैं मनुष्य हूँ, मेरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मैं पूरे सिखाती हूँ आपको। पहले ये क्या है बच्चों? हाँ, ये क्या है? बाल। बाल का मतलब क्या है? बा प्लस आ, बाल, बाल। बाल का मतलब क्या है? हेयर। अच्छा बच्चों, ये क्या है? हाँ, माथा। माथा इज अ फोरहेड। हाँ, याद में रखो। ये क्या है? आंग। हाँ, अच्छा सा देख लीजिए बच्चों, आंग। ये क्या है? नाक। नाक का नाक। ये क्या है? कान। हाँ, कान है। ये क्या है? होंड। मैं यहाँ पे लिखा है, देखो। हाँ, होंड। ये क्या है? दांत, टीथ। होंड के लिए लिप से अंग्रेजी में। ये क्या है? दांत। हाँ, टीथ। ये क्या है? टंग। अंग्रेजी में से टंग बोलते हैं। हिंदी में क्या है? जीभ। ये क्या है? गाल। गाल का मतलब क्या है? चीक, है ना बच्चों। और ये क्या है? गला। गला, नेक। और ये क्या है? छाता। छाता इज है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, चेस्ट, है ना बच्चों। और ये क्या है? स्टमक। स्टमक का मतलब क्या है? पेट। और यहाँ पे ये दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों? खंदा। खंदा का मतलब क्या है? शोल्डर।
कंधा का मतलब क्या है? शोल्डर। ये क्या है? हाथ। ये क्या है? उंगलियां। कितने उंगलियां है हमारे लिए? 10 fingers, 10 fingers है, 10 उंगलियां है। और ये पेट है। हाँ, और ये क्या है? मुट्ठी, इसे हम नी बोलते हैं, मुट्ठी। हाँ, और ये जगह को हम टकना, टकना बोलते हैं, टकना। और ये को क्या बोलते हैं? येड़ी, येड़ी, पैर। हाँ, याद में रखो बच्चों। हाँ, प्लीज में जो, और हम यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? पीठ। हाँ, पीठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीठ। मैं और एक बार याद दिलाते हूँ, मेरे आंख को दिखाती हूँ। पहला बाल, हमारा बाल कैसा है? काला। और माथा, अच्छा समझ में लाइए, माथा, फोरहेड। आंख, आंख, नाक, नाक, मुंह, मुंह, दांत, दांत, जीभ, जीभ, गाल, गाल, कान, कान, गला, गला, छाता, छाता, हाथ, हाथ, उंगलियां, उंगलियां, पेट, पेट। हाँ, ये छोड़ दिया हमने, कमर। कमर को हम हिप को हिलाते हैं ना बच्चों। हाँ, कमर, क्या बोलते हैं हिप के लिए? कमर। ऐसे ऐसे हिलाते हो डांस में, सब आप लोग हिलाते हो ना कमर को, हिप। हाँ, उसके बाद क्या है? मुट्ठी, नी, मुट्ठी। और टकना, टकना, पैर, पैर, येड़ी। टकना का मतलब क्या है? हाँ, यहाँ ये जगह को बोला जाता है। और पैर, एड़ी, समझ में लाओ बच्चों। और यहाँ पे मैंने ऐसे पीछे का क्या बोला था? पीठ, पीठ, कंधा, कंधा। अच्छा बच्चों, आप देखिए, ये आपको मैंने शब्दों को सिखाऊंगी। आ, ख, आंख, ना, क, ना, ना प्लस आ, ना, क, ना। और होंट, ओ, टा, होंट, ए, डा प्लस ई, डी, ये, डी। हाथ, हा, ता, हा। एक मिनट बच्चों, मैं चित्रों को भी आपको दिख के सिखाते। ये देखो, मैंने पहले बोला था जो पास में ले लो। हाँ, पहला वाला क्या है? बाल, मैंने बताया था ना, बाल, बा प्लस आ, बा, ल, बाल। उसके बाद देखो ये क्या है? चेहरा। हाँ, क्यों मैंने छोड़ दिया? देखो, चा प्लस ए, छे, हा, रा प्लस आ, रा, चेहरा। चेहरा इज अ फेस, है ना बच्चों? चेहरे पे हमारे आंख, नाक सब है। उसके बाद देखो, एक मिनट बच्चों, हाँ, ये देखो आंख, आ, ख, आंख। और यहाँ पे क्या है? उंगली, मैंने बताया था, वो गा प्ल, गा, ला प्लस ई, ली, उंगली। कान, का प्लस आ, का, न, खा। उसके बाद देखो नाक, ना प्लस आ, ना, क, नाक। वो यहाँ पे देखो दांत, दा प्लस आ, दा, त, दांत। नेक्स्ट देखो पाँव, पाँव को ले पैर, पा प्लस आ, पा, ब, पाँव। ये देखो नाखून, नाखून का मतलब क्या है? नेल्स, ना प्लस आ, ना, खा प्लस उ, खू, ना, नाखून, नेल्स। उसके बाद देखो जीभ, जा प्लस ई, जी, भ, जीभ इज अ टंग। ये भी वही है बच्चों, एक बार कलरफुल है, ये भी देख लीजिए, दोनों एक ही है, ये भी पूरा ले। हाँ, ले लिया। हाँ, अच्छा देखो बच्चों, ध्यान से, मैंने सारा आपको शरीर के अंगों, मेरे रूप में भी मैंने आपको बहुत सारा नाम बताया था। बाल, काला बाल, आंख, माथा, नाक, गाल, चेहरा, हाँ, दांत, जीभ, कान, गला, छाता, पेट, कमर, याद में रखो कमर, हाथ, उंगली, हाँ, मुट्ठी, टकना, पैर, पैर, एड़ी, और फीट। समझ में ला बच्चों? आज यहाँ पे आपको ये पार्ट समाप्त हो रहा बच्चों। प्लीज बच्चों, COVID-19 वजह से बाहर मत जाइए बच्चों, घर में जो असाइनमेंट्स पूरा दिया जा रहा पूरा लिखो। आपने टेस्ट बहुत सुंदर लिखोगे, मुझे मालूम है। अच्छा ध्यान दीजिए, आपके मम्मी पापा का कहना मानिए, कहीं पे बाहर मत जाइए। जो वीकली वीकली आपको असाइनमेंट्स, पूरा पढ़ के ध्यान दीजिए। धन्यवाद।